नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रोशियो आर्ट। आज हम ये बहुत ही सुंदर क्रोशिए का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके लिए जो स्टिचेस यूज़ किए गए हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। चेन हम अपनी नेसेसिटी के हिसाब से बनाएंगे, बट इन मल्टीपल ऑफ 8 प्लस बॉर्डर एज यू विश। चेन इतनी लंबी ज़रूर होनी चाहिए कि हमें डिज़ाइन पता चल सके। मैंने 56 चेन्स बनाए हैं प्लस 2 बॉर्डर्स के लिए बनाए हैं। 3 चेन स्टिच और बनाकर पहले के 3 स्टिच छोड़कर बाकी सारे चेन स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से हम पूरी की पूरी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो बनकर तैयार हो गई है। सेकंड रो में पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। यहां से डिजाइन शुरू होता है। 4 चेन स्टिच में 4 डबल क्रोशिया, हर एक चेन स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब अगले 4 चेन स्टिच में हर एक चेन स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। ये 1 और ये 2। 4 चेन स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, ये 8 हो गए। अब हम 4 पहले की तरह 4 चेन स्टिच में 4 डबल क्रोशिया, हर एक चेन स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम एक चेन स्टिच छोड़कर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये भी हम 4 बार करेंगे। ये 1 हो गया, 1 छोड़ा, ये डबल क्रोशिया, 1 छोड़ा, 1 स्किप और 1 डबल क्रोशिया। एक बार और करेंगे, 1 चेन स्टिच स्किप करके 1 डबल क्रोशिया। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए और 4 स्किप कर दिए। अब हम सेम हर एक चेन स्टिच में 1 डबल क्रोशिया 4 टाइम्स, 1, 2, 3 और ये 4। डिजाइन आसान है। फर्स्ट रो हमें बहुत ध्यान से बनानी है कि कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड रो का बॉर्डर बनाएंगे। सेकंड रो इज जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट वन। सेकंड रो और बाकी रोज में हमें ध्यान रखना है
कि जहाँ पर हमने चार चेन स्टिच के हमने आठ बनाए थे उसमें से बीच के चार पकड़ने हैं और बीच के चार को ही हमने आठ में कन्वर्ट करना है और उसके दोनों साइड्स में सिंगल डबल क्रोशेट इन वन चेन। अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो हमारा डिज़ाइन मिसमैच कर सकता है और डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। डिज़ाइन के साइड्स में भी हमें डिज़ाइन को बैलेंस करके चलना है कि फंदे घटते हुए ना चले जाए और बढ़ते हुए भी ना चले जाए। अगर हम एक फ्रॉक में डिज़ाइन डाल रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी साइड्स की, अदरवाइज़ हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि साइड्स में हमारे फंदे बढ़ते हुए या कम होते ना चले जाए। थर्ड रो इज़ एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट वन एंड फोर्थ रो इज़ एग्जैक्टली लाइक द सेकेंड वन। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, जिसे डबल क्रोशिया बनाना आता है वो ये डिज़ाइन आराम से बना सकता है, लेकिन हमें फंदों का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये हमारी थर्ड रो बनकर तैयार हो गई है। फोर्थ रो के बाद डिजाइन अच्छी तरह से नजर आता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।